रिसेंटली एक बड़ा सा मॉन्स्टर ब्लैक होल हमारी अर्थ के करीब डिटेक्ट हुआ है और रिजल्ट साइंटिस्ट में हर बड़ी मच गई क्योंकि ब्लैक होल्स का तो दूसरा नाम ही तबाही है। तो क्या हमारा एंड नजदीक है? जून 2022 में एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया कि एक ब्लैक होल J1144 अपने 3 बिलियन सोलर मैसेस के साथ अब तक का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल है। अब आप मानोगे नहीं कि लेकिन ये ब्लैक होल अपनी खुराक में लिटरली एक सेकेंड में एक अर्थ जितना मास गटक जाता है। और अब इस तरह का कोई एक्टिवली इंटरेक्टिंग ब्लैक होल हमारे सूरज को रिप्लेस करता है तो तबाही तो पक्की है। वेल, हम इसके अंदर तो खींचे नहीं चले जाएंगे लेकिन इतना बड़ा साइज होने की वजह से एक वायलेंट ब्लैक होल की एग्रेशन डिस्क इतनी गर्म होती है कि सूरज की जगह लेते ही उसकी हीट हमें और हमारे ओशंस को कुछ ही सेकंड में वेपराइज कर देगी और इन्हीं वेपराइज सी से अर्थ का एटमॉस्फेयर वीनस की तरह डेंस हो जाएगा और फिर ये सारा डेंस एटमॉस्फेयर वीनस के एटमॉस्फेयर के साथ मिलकर स्पेस में फैलने लगेगा। अनलेस सूरज की जगह J1144 जैसे ब्लैक होल नहीं बल्कि गाया BH1 जो कि रिसेंटली हमारे करीब ही डिस्कवर हुआ है वैसा ही एक और सुकून काम डोमिनेंट ब्लैक होल हो। जी हाँ, अब तक एस्ट्रोनॉमर्स को लगता था कि इस यूनिवर्स का हर ब्लैक होल G1144 जैसा ही भूखा होता है लेकिन इस साल जैसे ही गाया BH1 को डिस्कवर किया तो एस्ट्रोनॉमर्स को ये रियलाइज हुआ कि ब्लैक होल काम और डोमिनेंट भी हो सकते हैं। वो 10 से 12 सूरज इतने भारी होने के बावजूद भी वो अपने चक्कर काट रहे सूरज इतने भारी कंपेनियन स्टार को अपने अंदर खींचने से हिचकिचाते रहते हैं। ये बिहेवियर अपने आप में काफी वियर्ड है, मतलब हाफ ब्लैक होल हो भाई, इस तरह से थोड़ी ना शिकार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यही चीज अजीब नहीं है जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को सर के जाने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल जो बात सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है वो ये कि गाया BH1 हमेशा से हमारे नजदीक ही था, इतना नजदीक कि अब तक का जो सबसे क्लोजेस्ट ब्लैक होल मालूम था हमें V616 मून, उससे भी 3 गुना ज्यादा नजदीक, मतलब रफली 1600 लाइट ईयर्स की दूरी पर, मतलब लिटरली हमारे बगल में ये ब्लैक होल छुपा बैठा था और हमें मालूम ही नहीं था। अब जाकर पता चल रहा है कि इतने सालों में हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को ये V616 मून ही नजर आया, पर शायद इसीलिए क्योंकि ये ब्लैक होल्स स्टार्स को निगल ही नहीं रहे थे जिसकी वजह से उनके इर्द गिर्द मैटर को हीट करके एक्सरेस एमिट करने वाली एग्रेशन डिस्क की मौजूदगी होती थी जो डिटेक्शन में मदद कर सके और इसी वजह से वो यूनिवर्स के अंधेरे में छुपे बैठे थे अपने शिकार का स्लोली करते हुए। जो भी हो, एटलीस्ट अब एस्ट्रोनॉमर्स को इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक होल्स की छानबीन करना भी आ गया है और अब उनका नेक्स्ट गोल भी यही है कि इस तरह के छुपे रुस्तम ब्लैक होल्स किस तरह से तबाही करने की ताकत रखे, क्योंकि वायलेंट हो या फिर काम, किसी भी ब्लैक होल को बस एक बेसिक सेलेस्टियल बॉडी समझना तो एस्ट्रोनॉमर्स की शायद सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और अब इसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और सिमिलर ब्लैक होल डिस्कवर किया है जिसने पैदा होते ही अपने क्रिएटर स्टार के एक एक पार्टिकल्स को अपने अंदर खींच लिया, जबकि ऐसा नहीं होता। ये भी बड़ा ही वियर्ड फिनोमेना है कि जब भी कोई ब्लैक होल बनता है तब वो जिस स्टार के मरने से बना होता है उसी स्टार की मौत का सबूत कहीं किसी डस्ट क्लाउड या शॉक वेव के रूप में उस ब्लैक होल के आसपास जरूर नजर आता है। लेकिन हमारे सूरज से ऑलमोस्ट 9 times भारी इस VFTS 243 ब्लैक होल के केस में ऐसा नहीं है, हमें बस इतना ही दिखा कि वो सूरज से 25 गुना भारी एक जायंट ब्लू स्टार के चक्कर काट रहा है, वो भी बिल्कुल शांति से। लेकिन एक सेकंड, इनके इस बिहेवियर पर क्या ये कहना सही नहीं होगा कि बहुत जल्द ही गाया BH1 हमारे लिए एक पॉसिबल थ्रेट बन सकता है? वेल, गाया BH1 जिस ओपिचियस कॉन्स्टेलेशन में डिटेक्ट हुआ है वो वही कॉन्स्टेलेशन है जिसमें साल 1604 में एस्ट्रोनॉमर जोहानस कैपलर ने सुपरनोवा 1601 डिस्कवर किया था, एक ऐसा सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो उस वक्त बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता था, यानी कि हमसे इतना ज्यादा नजदीक है। अब इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? वेल, उसकी हिस्ट्री। अब इसकी हिस्ट्री लोगों को और भी ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देता है कि उसमें होने वाले इंसिडेंट से हम आखिर डरे या ना डरे, क्योंकि 2nd century में जब ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलमी ने पहली बार इसे डिस्कवर किया था तब इस नए 13 जोडिक वाले कॉन्स्टेलेशन को सांपों से खेलने वाले सर्पेंट बैरियर से जोड़ा गया था। इनफैक्ट ग्रीक लैंग्वेज में ओपिचियस का मतलब ही होता है सर्पेंट बैरियर। हालांकि ग्रीक मिथोलॉजी में सर्पेंट बैरियर एस्केपियस दुनिया का पहला डॉक्टर माना जाता था जिसे ज्यूस और बहुत से गॉड्स ने पनिशमेंट के तौर पर जन्नत में ही भेज दिया था। अब बड़ा ही अजीब और गरीब सा वाक्य है ऑपिचियस को लेकर, लेकिन
एक्चुअली गॉड्स का मानना ये था कि एस्क्लेपियस अपने सांपों की मदद से एक नेक काम तो कर रहा है लोगों को ठीक करके, लेकिन साथ ही वो देवताओं के लिए आगे चलकर काफी परेशानियां खड़ी कर सकता है। आखिर उसका एक सांप दूसरे सांप को कैसे हील करता है ये देखकर भाई साहब अमृत मनाने का नुस्खा जो देख लिया था। लेकिन एक मिनट, अगर गाया बीच वन ब्लैक होल भी एस्क्लेपियस की तरह ही हद से ज्यादा एम्बिशियस निकले तो, और उसके सांपों की तरह अलग अलग नुस्खे इस्तेमाल करने लग जाए अपने आप को अमर या फिर डिसइंटीग्रेट करने से बचाने के लिए, मतलब अगर वो ऑप्टिट्यूस में है तो इस पॉसिबिलिटी को टुकराया तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि सबसे पहले गाया गेच वन और उसके जो चक्कर काट रहा है वो कंपेनियन स्टार दोनों आपस में ही लगभग उतने ही डिस्टेंस शेयर करते हैं जितना अर्थ और सन के बीच में। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि पिछले 5 से 6 सालों में साइंटिस्ट को ऑप्टिट्यूस में मीथल आइसोसाइनेट और स्पेस शुगर जैसे मॉलिक्यूल्स मिले जिनके ताल्लुकात लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट्स यानी कि आरएनए के सिंथेसिस से हैं। तब सवाल ये उठता है कि गाया BH1 क्या साइलेंट किलर है जिसने दबे पांव आकर दुनिया जैसी फलती फूलती प्लैनेट को निगलना है, तो क्या वाकई में अगला नंबर हमारा है? वेल, गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी जिसकी वजह से गाया BH1 डिस्कवर हुआ था और इवन 1989 से 1993 के बीच में चला उसका सबमिशन हिपार्कस, इन्हीं दोनों ने अब तक लाखों करोड़ों स्टार्स को स्टडी किया। इनफैक्ट गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी की तो एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है कि वो 1000 किलोमीटर दूर से सिंगल ह्यूमन बाल की थिकनेस तक को नाप सकता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि वो प्यूपस कॉन्स्टेलेशन के वीपअप में स्टार ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम पर क्या डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि करंट एस्टिमेशन के हिसाब से तो वीपअप भी गाया BH1 की तरह बिल्कुल एक साइलेंट किलर है और वो भी गाया BH1 के मुकाबले में हमसे और भी ज्यादा नजदीक है। खैर, फाइनली अब हम लोग को इतना तो पता चल गया कि हमारे आसपास कितने काम ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो किसी भी वक्त अपना असल रूप दिखा सकते हैं।